जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर और आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023-24 का तो मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाऊँगा तो आज का जो टॉपिक है वो जीके से है और मैं हिंदी और इंग्लिश भी आपको पढ़ाऊँगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए देखते हैं कि जीके से 25 सवाल जो पूछा जाता है वो किस तरह का सवाल होता है आप देख सकते हैं सवाल है कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पहला सवाल है केंद्र शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया आपका ऑप्शन है लिंगो इंग्लिश प्रो हेलो टॉक या बीलिंगो ऐप तो इसका क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश प्रो चलिए आगे है कण के द्विआसित अल्फा कण डैश के द्विआसित आयन होते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन है बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम आगे है 2011 12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा ड प्रतिमा तय की गई थी तो आपका ऑप्शन है रुपये आठ सौ सोलह सात सौ बावन सौ सतासी एक हजार तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आठ सौ सोलह अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है तो आपका ऑप्शन है इकतीस बी तैतालीस बी तैंतालीस ए इकतीस ए तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तैतालीस बी नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था आपका ऑप्शन है भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक भारतीय सिविल सेवा के जनक या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या फिर भारतीय प्राइतिहासिक काल के जनक तो आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक चलिए अगला सवाल है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे तो हुमायूं शाहजहां जहांगीर अकबर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर राजा टोडरमल टोडर जो है ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप देख सकते हैं 801 कावन है 1701 क्यासी है 1701 शत है 1831 है, है तो आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा 1701 शत पानीपत की तीसरी तो लड़ाई हुई थी वो हुई थी सत्रह सो इकसठ ईस्वी में चलिए अगला आग, सवाल देखते हैं अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन है स्विच ट्रांजिस्टर संधारित प्रतिरोध तो आंसर हो जाएगा स्विच चलिए मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बढ़िया से सुन सके अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया तो ऑप्शन आप देख सकते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका भारत इजराइल तो तो और अमेरिका भारत जापान और अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया इजरायल और अमेरिका तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो तो जाएगा ऑप्शन ए भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका अगला है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अनुपात आठ डैश को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है किसको आपका ऑप्शन है सब्जियां फूल और फल उगाने मछली प्रजनन रेशम कीट का पालन करने और अंगूर की खेती तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अंगूर की खेती चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है स्वामीजीत घोष मणिका बन बत्रा नीरज चोपड़ा दीपिका कुमारी तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दीपिका कुमारी संवाद को मोदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा ईश्वर चंद विद्यागर राष्ट्र बिहारी बोस राजा राम मोहन राय या शिशिर कुमार घोष तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राममोहन राय नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया तो आपका ऑप्शन है ओप्पो एम पी एल स्पोर्ट्स बाइजूस नाइकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम पी एल स्पोर्ट्स स्वच्छ भारत मिशन के चरण दो की शुरुआत किस वर्ष हुई दो हजार इक्कीस बाईस दो हजार बीस इक्कीस दो हजार अठारह उन्नीस दो हजार उन्नीस बीस तो देखिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दो हजार बीस इक्कीस टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं कबड्डी क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी फुटबॉल से छब्बीस जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के उनसत्तर वर्ष पूर्ण किए इन वर्षों में इसमें बारह जनवरी दो तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश बार संशोधन किए कितनी बार इसमें संशोधन किया जब संविधान ने उनसत्तर वर्ष पूरा किया तो इसके दौरान 2019 में उनसत्तर वर्ष पूरा किया तो इसके दौरान कितनी बार संशोधन किया तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है आपका एक सौ तीन एक सौ नौ एक सौ एक सौ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सौ तीन सरयू नदी किस नदी की कि सहायक नदी है आपका ऑप्शन है पिंडर शारदा भागीरथी देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शारदा नदी का निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है ऑप्शन है उदोहो टू देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी चेराव डैश दर्शाता है डैश दर्शाता नहीं है डैश कला कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें सातवीं और आठवीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं कला, वास्तु का सम्मिलित मिश्रण हुआ है उसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है कोणार्क पटतकल भीम बेटका कोची देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पटतकल चलिए निम्नलिखित में से कौन अपने आयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बीजू खोटे, मोहम्मद जहुर खयाम श्री राम लागू ग्रीस कन्नाड तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीस कर्नाड निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी आपका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अगला है वित्त वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्षक व्यापक, व्यापक सॉरी व्यापारिक भागीदार था एक तो बार दोहरा देता हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीस में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका भारत के पंजाब से निकलने वाली पांच नदियां पाकिस्तान में मिथन कोट में डैश नदी में मिल जाती है आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु झमुना उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु अगला सवाल है सत्रह सौ आठ ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया ऑप्शन है गुरु नानक देव गुरु अमरदास गुरु अंगद बंदा बहादुर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदा बहादुर इसमें मैथ का भी सवाल है आप देख सकते हैं इसमें मैथ का भी सवाल है तो मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा जीके भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश भी हिंदी भी और रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं जय हिंद जय जै भारत